बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर क्लाइमेट एंड क्लाइमेट साबित फिजादा डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन C05N1 मुल्तान फैमिली लाइंस क्लब एंड द फर्स्ट साइड एम्बेसडर इंटरनेशनल लाइंस क्लब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेल, हमने सोचा कि क्यों ना आज पिकनिक टाइम में पिकनिक प्लस इंफॉर्मेशन भी हो जाए। तो वेल, चलते हैं अपने हिस्टोरिकल पॉइंट की जानिब। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की जानिब और हम जा रहे हैं किला रोहतास। किला रोहतास बेसिकली इस्लामाबाद और झेलम के रास्ते में दीना के मुकाम पे ये फोर्ट मौजूद है और ये एक हमारा हिस्टोरिकल पॉइंट है, पाकिस्तान के बेस्ट हिस्टोरिकल पॉइंट में एक इसको भी माना जाता है। इस किले की तारीख कुछ यूं है कि 15वीं सदी में शेरशाह सूरी ने यहाँ पे ये किला तामीर किया, जिसका मेन मकसद ये था कि मगरबी हमला आवरों से इस बड़े सगीर को जो है वो महफूज किया जा सके। फिर 17वीं सदी में ये सिखों के जेर तसल्लुत भी रहा, पर कुछ भी कहें 500 साल गुजरने के बाद भी इस फोर्ट के दबदबे में जरा भर भी कमी नहीं आई। इसके खंडरात आज भी जो है इसकी अजमत की गवाही देते हैं। ये एक बेहतरीन काफी मकाम है। तो चलिए चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं। चलें जी, हम अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताती चलूं कि किला रोहतास के ऑलमोस्ट जो है 12 गेट हैं और हम इस वक्त जिस गेट के सामने खड़े हैं, यानी कि जिस गेट से हम अंदर दाखिल होने वाले हैं, इसको सुहेली गेट कहते हैं। वेल, मुझे लगता है कि यहाँ पर डिफरेंट कमांडर्स और डिफरेंट जनरल्स के नाम पे दरवाजे रखे गए हैं, लेकिन क्या हकीकत है ये वहाँ के लोग बेहतर समझते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों का एक और भी कहना है कि ये जो इलाका है यानी कि ये जो किला है ऑलमोस्ट 150 एकड़ पे फैला हुआ है। इसका एक एक गेट जो है वो 30 से 40 फुट ऊंचाई पे है और इसकी दीवारें उससे 4-4 गुना ज्यादा जो हैं वो ऊंचाई पे भी हैं और कई कई टन वजनी भी हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले में हमें क्या क्या मिलने वाला है। चलें जी, हम दाखिल हो चुके हैं अपने किले में। उफ, इतनी लंबी और इतनी ऊंची दीवारें और इतने बड़े बड़े गुंबद और मीनार। अगर हम बात करें आज से 500 साल पहले की, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो किला है ऑलमोस्ट वैसे भी ये पहाड़ी पे जो तामीर किया गया है, एक तो पहाड़ी पे तामीर किया गया, दूसरा चीज 150 एकड़ पे वो है, और सबसे जो अहम चीज है जो उस वक्त के इंजीनियर्स को वाकई हम सैल्यूट करते हैं कि मेरा नहीं ख्याल उस वक्त साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की की हो कि उस वक्त हमारे पास क्रेन या न्यू मशीनरीज हो, लेकिन फिर भी उनका आर्किटेक्ट इतना कमाल है कि हमें लग ही नहीं रहा कि 500 साल गुजर चुके हैं। तो चलें देखते हैं कि हम इस हवेली में जो है या इस किले में क्या क्या चीजें जो है हम एक्सप्लोर करने में कामयाब हो पाते हैं। चलिए जी, अब उस एरिया की जानिब चलते हैं जहाँ पे उस वक्त के जनरल और ऑफिसर्स के जो हैं वो रिहाइश का थी। तो वेल, यहाँ पे तो फिलहाल खंडरात ही खंडरात है, लेकिन फिर एक दफा मैं जो उस वक्त के इंजीनियर्स हैं उनको वाकई सैल्यूट करूंगी कि 500 साल गुजरने के बाद भी कुछ आर्किटेक्ट अपनी जगह पे कमाल है। एक जो हवेली है हमें नजर आ रही है, तो देख लेते हैं अंदर चल के ये किसकी है। मान सिंह की हवेली। ओके, तो हमने सुना है कि उस वक्त जो है मानसिंह जो है यहाँ के जनरल हुआ करते थे। जब हम इस हवेली के अंदर जब हम एंटर हुए ना, अब यकीन करें कि इतना ठंडा था कि इस मौसम में भी हमें पंखे की या एसी की कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। इसका आर्किटेक्ट इतना कमाल किया गया है कि उस वक्त के जो पत्थर थे उनको तराश के बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दीवारें बनाई गई हैं, और सबसे अहम चीज है कि जो पूरा का पूरा जो महल है इसका, ये जो पूरा की पूरी इसकी हवेली है, इसको गोल गुंबद की शक्ल में जो है ये डिजाइन किया गया। अमेजिंग अमेजिंग।
ओके, इसके साथ हमें एक और हवेली भी नजर आ रही है और ये किसकी है? हाँ, रानी की हवेली। ओके, तो ये रानी साहिबा की हवेली है। अच्छा, इसकी भी तारीख तो खैर मुख्तलिफ मिलती है, लेकिन कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि ये मान सिंह की जो है ये सिस्टर थी। तो चलें जी, रानी साहिबा का जो है हम इनकी भी हवेली को विजिट कर लेते हैं। जबरदस्त, रानी साहिबा का जो हवेली है वो तो मान सिंह से भी ज्यादा ठंडी है। अच्छा, आपको पता है इन्होंने कदावर खिड़कियां यहाँ पे मौजूद है और हर तरफ जो है वो वेंटिलेशन का बड़ा जबरदस्त यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। और सबसे अहम चीज जो है, इनका जो हवेली है इसका आर्किटेक्ट जो है वो बहुत कमाल है और जो रानी साहिबा है उनकी शौक का बेहतरीन तर्जमान है। तो चले देखते हैं हम और क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने हमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, वो ये कि चाहे ये किला जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, लेकिन कभी भी यहाँ पे पानी का मसला नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि इसकी खास वजह ये है कि यहाँ पे बावली कुएं जो हैं वो खुदवाए गए थे। ये बावली कुएं क्या है भाई? तो चले देखते हैं इन बावली कुओं को। अगर आप गौर करें, ये जमीन के अंदर जो है ये स्टेयर्स जा रही हैं, और अगर हम इनको काउंट करें तो ऑलमोस्ट जो हैं ये 250 से 300 के करीब हैं। वाकई भाई, उस वक्त आज से 500 साल पहले ये आर्किटेक्ट बनाना बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि 250 सीढ़ियां उतर के नीचे की जानी जो है एक कुआं है जहां से लोग आसानी जाते थे और पानी लेके आते थे। एक तो पानी ठंडा भी होता था, मीठा भी होता था, और सबसे बड़ी अहम बात, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लोग पानी लेके आ जाते थे। इसलिए इन कुओं का नाम बावली कुआं है। लेकिन आज भी इस कुएं के निशानात मिलते हैं और ये स्टेयर्स वगैरह भी आप देख रहे हैं स्टिल यहाँ पे मौजूद हैं। वेल, मैं तो जरूर चाहूंगी कि जब भी आप लोग इस तरफ आए तो इस किले को एक्सप्लोर लाजमी करें। यहाँ पे जब हम मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे फांसी घाट जो है वो भी यहाँ पे अभी तक मौजूद है। तो चलें इस फांसी घाट को देख लेते हैं। हमें वहाँ के मकानी लोगों ने बताया कि उस वक्त जब मुजरिमों को सजा दी जाती थी तो एक कमरे के ऊपर जो है उन्होंने वो सुराख सा उन्होंने बनाया होता था, ये जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। और जब वो किसी मुजरिम को फांसी दे देते थे तो ऊपर से जब उसकी रस्सियाँ खोलते थे तो एकदम से जो है वो सुराख से होता हुआ नीचे कमरे में जा गिरता था। हाले भी भले था काफ़ी। और उसके बाद जो बंदा होता था या जो भी गार्ड होता था वो दरवाज़ा खोल के उसको निकाल लेता था। यानी कि उस वक्त भी फांसी का इन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ था। चलिए जी, अब उस एरिया की जानिब चलते हैं जहाँ पे उस वक्त के जनरल और ऑफिसर्स के जो हैं वो रिहाइश गाह थी। तो वेल, यहाँ पे तो फिलहाल खंडरात ही खंडरात है, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं जो उस वक्त के इंजीनियर्स हैं उनको वाकई सैल्यूट करूँगी कि 500 साल गुजरने के बाद भी कुछ आर्किटेक्ट अपनी जगह पे कमाल है। आज की पिकनिक तो भाई अपने इख्तिताम को पहुंची। होपफुली कि आपने हमारी इस पिकनिक को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और इस कल्चरल प्लेस पे जरूर जाइएगा। हमें अपने कमेंट से जरूर आगाह किया करें और कोशिश ये किया करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं या जिनको पिकनिक बहुत पसंद है तो वो भी इस टाइम को फुली एंजॉय कर सकें। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द ब्लाइंडनेस काबिल बेजादा। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। अल्लाह ने के वान।